हेलो जी, मैं मंजू सैर सपाटा में आपके साथ आई हूँ दिल्ली की मशहूर मार्केट महिला हाट। ये मार्केट सिर्फ संडे को लगती है और दिल्ली गेट पे ही लगती है, दरियागंज। दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पे उतरकर आप गेट नंबर 3 से जैसे ही बाहर आएंगे, सामने आपको 100 कदम पर महिला हाट दिख जाएगा। मार्केट का टाइमिंग 6 सुबह 8 से 6 है और ये सिर्फ संडे को ही मार्केट है। आगे पीछे आप जाएंगे तो ये आपको नहीं मिलेगी। यहाँ आपको 20 रुपये मिनिमम 20 रुपये भी पे भी किताबें मिल जाती हैं। पुरानी दिल्ली में ये किताबों का बाजार कोई नया नहीं है, ये पहले आसिफ अली रोड पे 50 सालों से लगता आ रहा है, लेकिन अब MCD ने इन्हें 2 सालों से यहाँ शिफ्ट कर दिया था। और यहाँ पर सबके लिए किताबें हैं, नर्सरी से लेके आपको रिसर्च लेवल की बुक आसानी से मिल जाती हैं, मेडिकल और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, नीट, IAS या CLAT, सब की ही बुक्स आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगी। यहाँ आपको फिक्शन, नॉन फिक्शन, नावल और फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, कोई भी बुक जिसका नाम आपको पता है वो आप यहाँ आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर दाम की बात करें तो यहाँ की बुक्स प्रिंट रेट से 60-70% कम मिलती है आपको, और इतनी अच्छी कंडीशन होती है कि आप नहीं कह सकते कि ये बुक सेकंड हैंड है या फर्स्ट हैंड। महिला हाट में आपको बुक्स बेचने का भी ऑप्शन है, आप अपनी बुक्स यहाँ पे बेच भी सकते हैं पुरानी। यहाँ आपको स्कूल से रिलेटेड 6th to 12th तक की NCERT की सभी बुक्स उपलब्ध होती हैं, ये यहाँ पे सेट बना के रखते हैं। और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बुक्स चाहिए होती है अलग अलग टॉपिक पे, उनके भी ये यहाँ पे सेट बना के रखते हैं ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। फिर भी आपको अगर कोई और बुक चाहिए होती है तो आप खुद से भी इनमें ढूंढ सकते हैं, और अगर आपके वो एक बुक स्टॉल पे वो बुक ना मिले तो पक्का आपको दूसरे बुक स्टॉल पे तो ज़रूर ही मिल जाएगी, क्योंकि ये बुक्स का भंडार है। आप जहाँ नज़र उठाएंगे आपको यहाँ पे सिर्फ बुक्स, बुक्स और सिर्फ बुक्स ही नज़र आएंगी, लोग कम और बुक्स ज़्यादा दिखेंगी आपको। यहाँ पे साइंस की हर तरह की बुक्स आपको मिल जाएगी, साइंस लेवल की। मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों तरह की बुक्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। और दिल्ली की ये जो मशहूर मार्केट है आज की नहीं है, बहुत ही पुरानी है, और इस कारण ये कोई दिल्ली वालों के लिए नई मार्केट नहीं है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट दिल्ली में हॉस्टल्स में ये सब रहते हैं वो इससे वाकिफ होंगे, सब बुक्स लेने यहीं पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे बुक्स बहुत ही सस्ती और अच्छे कंडीशन में मिलती हैं। यहाँ पे आपको मोटिवेशन बुक्स की तो भरमार मिलेगी, चारों तरफ आपको बुक्स, नॉवेल्स, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऑथर्स की बुक्स आराम से मिल जाती है। हैरी पॉटर के तो पूरे पार्ट्स यहाँ पे हैं, आप चाहें अगर आप बुक लवर हैं या फिक्शन आपको पसंद है तो आपको बुक्स बहुत आराम से मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे कलाम जी की बुक ली थी, विंग्स ऑफ फायर,
जिन पे उनके सिग्नेचर भी हैं जो प्रिंट में हैं। तो ये मुझे सिर्फ 100 रुपये में मिली थी और इसका प्रिंट रेट आप देखेंगे तो 4 गुना ज़्यादा था। बुक्स देख के आपको लगता है कि आप शायद किसी बुक्स के दरिया में खड़े हैं, चारों तरफ आपके नीचे पैरों की तरफ सारे में बुक्स ही बुक्स हैं और आप वहाँ उनके बीच में खड़े हैं। बहुत ही अलग एहसास होता है इतनी बुक्स के बीच में खड़े होना। और MCD इनसे यहाँ पे बैठने का किराया लेता है, मतलब जो भी इनका एक दिन का ही रेंट होता है, तो ये महीने भर का 4 बार का, जैसे 4 संडे हैं या 5 संडे हैं, उस हिसाब से पे करते हैं। यहाँ पे आपको हर लेवल की बुक आराम से मिल जाएगी। इन भैया के पास सभी सिलेबस की सभी तरह की बुक्स थी और ये बहुत ही कम रेट पे दे रहे थे। कुछ स्टॉल पे तो आपको ऑनलाइन की भी सुविधा मिल जाएगी। आप यहाँ अपनी बुक्स का ऑर्डर कर सकते हैं और जो भी डिलीवरी चार्जेस होगा वो आपको कुरियर चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा बुक्स के अलावा। और यहाँ पे देखिए एस्ट्रोलॉजी की भी बुक्स आपको मिल जाएगी, जो बुक्स मैंने अभी तक नहीं देखी थी। रावण संहिता जो सिर्फ मुझे यहीं पे देखने को मिली। यहाँ आने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि यहाँ आने से पहले आपको वो चीज़ याद रखनी चाहिए। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो दोपहर से पहले आएं, खासकर गर्मियों में। सेकंड, आपके पास एक बड़ा कैरी बैग होना चाहिए क्योंकि यहाँ आपको कोई कैरी बैग नहीं देता। आपकी पानी की बोतल आपके साथ ज़रूर हो क्योंकि किताबों की इस दुनिया में घूमते घूमते आपको प्यास पक्का लगने वाली है। और साथ में आपके खुले पैसे भी होने चाहिए ताकि आपको इनके एग्ज़ाम चुकाने में असुविधा ना हो, क्योंकि यहाँ पे खुले पैसों का बड़ा झंझट रहता है। आज ई बुक्स के ज़माने में भी यहाँ पे इतने यंगस्टर मैंने देखे कि उनको देख के दिल खुश हो गया। शायद वो कोर्स की भी बुक लेने आए हों या कोई भी अपनी इंटरेस्ट की बुक लेने आए हों, लेकिन उनको देख के बड़ा ही सुकून मिलता है कि आज भी हमारी समाज में बुक्स की वही अहमियत है जो पहले होती थी। और ये बहुत दोपहर भरी गर्मी थी जिस वजह से अभी, और 12 बजे का ही टाइम था तो इस वजह से यहाँ भीड़ नहीं है, लेकिन देखते देखते यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई थी। बुक्स के साथ साथ आपको यहाँ स्टेशनरी भी बहुत देखने को मिलेगी। देखिए जो पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर्स, कलर्स, रजिस्टर, एग्ज़ाम बोर्ड, फोल्डर, रजिस्टर, कॉपियाँ सब आपको यहाँ आराम से मिल जाएगी और वो भी उचित दामों पे। और ये आपको आप एक पीस लें या होलसेल की रेट पे लें, ये आराम से भैया आपको दे देंगे। यहाँ पे आपको ये फोल्डर बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। बाहर आपको जो चीज़ फोल्डर काफ़ी महंगा मिलेगा, यहाँ उचित दामों पे आपको अच्छे से मिल जाएगा। और बच्चों की जो कलरफुल रबर्स होती हैं वो तो बहुत ही बहुत बढ़िया है यहाँ पे। अच्छा, जो डायरियाँ आजकल बाज़ार में ख़त्म हो गई हैं वो आप यहाँ पे डायरियाँ, कैलेंडर बहुत आराम से देखेंगे।
और आप उन्हें खरीद भी सकते हैं। बुक्स यानी किताबें, किताबों से दोस्ती इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है, चाहे वो साहित्य हो, इतिहास हो या साइंस, सब हमें बेहतर बनाते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।